हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मोमोज किचन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए क्या है, ये मछली की रेसिपी जो कि हम बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे और एकदम डिफरेंट स्टाइल आज की रेसिपी होने वाली है। तो रेसिपी पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले से मछली को ना बहुत ही अच्छी तरह से धो करके रख चुकी हूँ एक प्लेट में। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4। अगर आप लोग ज़्यादा लेना चाहते तो वो भी आप लोग ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बस थोड़े से हल्दी, नमक और स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिला करके रख लिया है, यानी कि डाल करके बाद में मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और इसके बाद मैंने क्या किया था ना, कढ़ाई के ऊपर डाल दिया था ऑयल गर्म होने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। तो जब ऑयल से ना धुआं निकलने लगे उस स्टेज पर हम लोग डालेंगे मछली। तो आप लोग को पता लग रहा होगा कि ऑयल हमारी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं डाल दी हूँ 2 मछली फ्राई होने के लिए। तो बस दोनों मछली यहाँ पर फ्राई होने के लिए डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना, बस इस तरह से इसको हिला डुला देंगे और इसके बाद वापस इसको पलटाएंगे। तो इस तरह से करने से क्या होता है ना, मछलियाँ हमारी चिपकती नहीं है, तो इसीलिए इस तरह से करने से मछली चिपकेगी नहीं। तो मैंने इसलिए इसको इस तरह से कर दिया था। और आप लोग देख सकते हैं मैं ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, एकदम कुरकुरी गोल्डन ब्राउन एकदम क्रिस्पी है, फ्राई हो चुकी है। तो इसको मैंने निकाल लिया एक प्लेट में और वापस से जो बचा हुआ मछलियाँ है ना उसको भी हम लोग इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखिए इसको मैंने डाल दिया है, फिर उसी प्रोसेस से हम लोग इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो जिस तरह से मैंने पहले किया था ना, पलटा दिया था और इसको इस तरह से हिला डुला कर दिया था ताकि मछली हमारी हमारी चिपके ना। और तो बस जब तक हमारी मछली फ्राई हो रही है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर 8 से 10 लिए काजू और थोड़े से किशमिश और ये है पोस्तदाना यानी कि पॉपी सीड्स। और तो बस इसको डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिया हरी मिर्च और बस थोड़े से डाल देंगे यहाँ पर अदरक का टुकड़ा। तो 2 इंच जितना मैंने लिया था अदरक का टुकड़ा और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। और तो ये देखिए तब तक हमारी मछलियाँ भी फ्राई हो चुकी है। तो इसको भी हम लोग निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ये बचा हुआ ऑयल है ना इसी में हम लोग मसालों को फ्राई कर लेंगे। तो इसी में हम लोग डाल देंगे मसाला को जो कि हमने पहले रखे थे इसको पीस करके। तो पॉपी सीड्स को क्या किया था ना, थोड़ी देर के लिए डाल दिया था पानी में लगभग 10 मिनट पहले मसाला पीसने से पहले। तो इससे क्या होता है ना, बहुत ही अच्छी तरह से ये पीस जाती है, नहीं तो उसका ना छोटे छोटे सीड्स होता है ना, इसीलिए वो पीसने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो अभी कभी भी इस तरह का पेस्ट बनाया ना पॉपी सीड्स का, तो इस तरह से पहले डाल दे फूलने के लिए, तो ये पीसने में आसानी रहती है। तो इसलिए मैंने डाल दिया था 10 मिनट पहले उसको फूलने के लिए ताकि बहुत इस तरह से इसका पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। तो इसके बाद मैंने क्या किया था, इसमें बस थोड़ा सा हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था नमक और इसको मिक्स कर लिया था थोड़े से पानी डालने के बाद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ढक देंगे ढक्कन लगा करके। तो बस इसको ढक करके हम लोग पकाएंगे मसाले को, फ्राई करेंगे यानी कि। तो चलिए देखते हैं मसाले हमारी फ्राई हुई है कि नहीं। तो मसाले ना हमारी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, बस 1 से 1.5 मिनट में ही मसाला हमारी फ्राई हो चुकी है। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऑयल हमारी मसाले से सेपरेट होना शुरू हो चुकी है। तो मसाले ना अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, तो ये देख सकते हो आप लोग, और इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है। अगर आप लोग इस स्टेज पर हरी मिर्च डालना चाहते तो आप वो भी डाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, डालेंगे पानी। तो अपने आप लोग थिकनेस के हिसाब से डाल सकते हो पानी, और पानी ना याद रखना कि एकदम गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो गर्म पानी डालने से ना इस तरह का मछलियाँ बहुत ही अच्छी अच्छा लगता टेस्ट। तो बस ये अच्छी तरह से उबाल जब आना शुरू हो जाएगी तो हम लोग डाल देंगे इसमें मछली जो कि हम लोग पहले रखे थे फ्राई करके। तो बस इसको कुछ देर के लिए बॉयल आने देंगे और इसके बाद यहाँ पर गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए आप लोगों को दिखाती है उसका फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो बस इसको निकाल लिया था एक प्लेट में, तो इसी तरह से आप भी बना सकते और सर्व कर सकते हो। तो एकदम ये डिफरेंट स्टाइल है, बिना प्याज बिना लहसुन का।
तो इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हो। और इसमें हम लोग टमाटर भी नहीं डाले, तो बस इसको चावल के साथ मोस्टली सर्व किया जाता है। चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो इस तरह से आप लोग ट्राई कर सकते हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को बिल्कुल मत भूलना। अगर चैनल पर नहीं आते तो सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के बेल आइकन दबा के ऑल करना, ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।